खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है, देश में 1 जून से लॉकडाउन 5.0 लगने वाला है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, देश में 1 जून से लॉकडाउन 5 की शुरुआत हो जाएगी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है, देश में लॉकडाउन 5 की तैयारी। मानिए कि तारीख जो है वो मुकर्रर हो गई है, 1 जून से लॉकडाउन 5.0 की शुरुआत होगी। नई गाइडलाइंस जारी की गई है सरकार की तरफ से, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। 1 जून से 30 जून तक लागू रहेंगी पाबंदियां, ये कहा जा रहा है। सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस जिसमें बताया जा रहा है कि 1 जून से 30 जून तक फिर से देश लॉकडाउन रहेगा, देश बंद रहेगा। हालांकि एक बार फिर से अलग अलग जोन तय किए जाएंगे, जहां पर हालात सामान्य है वहां पर पूरी तरीके से छूट, जहां पर हालात सामान्य नहीं है, जहां पर स्थितियां नियंत्रण में नहीं है वहां पर अभी भी कुछ चीजें बंद रहेंगी, रियायतें होंगी। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, जैसे कि अंदेशा पहले से ही लगाया जा रहा था कि हो सकता है लॉकडाउन पर फिर से सरकार सोचे, लॉकडाउन आगे बढ़े। और इसी बीच ये बहुत बड़ी खबर है, कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी जारी, ये कहा जा रहा है। जो डिटेल्स हैं, देश में 1 जून से अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो गई है, नाम भी बदल दिया गया। किस तरीके से लगातार लॉकडाउन चल रहा था सिलसिलेवार तरीके से, उसी बीच ये बहुत बड़ी खबर है, अनलॉक 1.0 इसको नाम दिया गया है। इसमें क्या खास बातें होंगी, आपको क्या रियायत मिलेगी, आपके लिए क्या कुछ किया जाएगा, इस पर डिटेल्स धीरे धीरे सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल जो गाइडलाइंस है केंद्र सरकार की तरफ से वो आपके सामने है। अलग अलग राज्य जो अभी कोरोना काल से जूझ रहे हैं, कोरोना की वजह से परेशान हैं, जहां पर हालात बहुत ज्यादा नियंत्रण से बाहर हैं, वहां पर कैसी स्थितियां होंगी, वहां पर क्या किया जाएगा, क्या कदम उठाए जाएंगे अनलॉक 1.0 में, केंद्र सरकार के हाथ में क्या होगा, राज्य सरकार को क्या दिया जाएगा, राज्य सरकार को क्या तय करने होंगे, अलग अलग जो बिंदु होंगे, पॉइंट्स होंगे, वो धीरे धीरे सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, 30 जून तक होगा अनलॉक 1.0, 1.0 आगे बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, ये कब तक चलेगा, इसको लेकर भी कई चीजें हैं जो साफ होनी है। लेकिन आपने देखा कि पिछले दिनों लगातार लॉकडाउन पर मंथन चल रहा था, लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा, नई तैयारी कैसी होगी, आगे की रणनीति क्या होगी, सरकार कैसे आगे बढ़ेगी, राज्य सरकार कैसे काम करेंगे और किस तरीके से लोगों को लॉकडाउन से राहत मिलेगी, इसको लेकर लगातार आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक बैठक कर रहे थे, बैठक ले रहे थे, फीडबैक ले रहे थे। देश के अलग अलग हिस्सों में क्या तस्वीरें हैं, अलग अलग हिस्सों से क्या खबरें निकल कर आ रही हैं कोरोना से जुड़ी हुई, इसको लेकर पिछले दिनों लगातार मंथन चला और मंथन के बाद की ये बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर आपके सामने इस वक्त है। अनलॉक 1.0 30 जून तक चलेगा, ये साफ है, 1 जून से इसकी शुरुआत होगी और 30 जून तक ये चलेगा, सरकार ने साफ कर दिया है। 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, ये भी बड़ी खबर है कि 8 जून से धार्मिक स्थल जो हैं वो भी खुल जाएंगे, ये बड़ी अपडेट इस वक्त मिल रही है जो आपके सामने है। हालांकि लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी, जैसे कि आपने देखा लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 में आपने तमाम रियायतें देखी और उसमें जो गाइडलाइंस दी गई थी वो भी आपको माननी थी। और 8 जून से जो धार्मिक स्थल खुलने वाले हैं, जो जानकारी मिल रही है, वो भी शर्तों के साथ ही खुलेंगी, शर्तें निर्धारित की जाएंगी, शर्तें होंगी, उन शर्तों को मानना होगा और उसके बाद ही धार्मिक स्थल खुलेंगे। धीरे धीरे पटरी पर जिंदगी किस तरीके से लौट रही है, चीजों को सामान्य करने की जो कोशिश है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है और इस दिशा में सरकार क्या कुछ कर रही है, इन तस्वीरों को देखकर, इन लाइंस को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार कोशिश हो रही है किस तरीके से हालातों को सामान्य किया जाए। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, 1 जून से 30 जून तक अनलॉक 1.0 चलेगा, इसमें रियायतें होंगी, शर्तें होंगी, एडवाइजरी जो आपको माननी होगी, जो केंद्र सरकार तय करेगी आपके हित में, देश के हित में, वो धीरे धीरे अलग अलग पॉइंट सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त बड़ी खबर है, 30 जून तक अनलॉक 1.0 चालू रहेगा, शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे। और इसी पर दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, बताएं क्या क्या और बिंदु है, पॉइंट्स हैं, क्या कहा गया है गाइडलाइंस में? देखिए, सबसे पहले तो ये 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और यानी कि पूरा एक महीना इस बार जो 2 हफ्ते की बात हो रही थी वो अब 4 हफ्ते हो गए। कंटेनमेंट जोन जो है उसकी बाहर में पूरी तरीके से छूट है, गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी करके तमाम बातें की हैं, व्यावसायिक गतिविधियों पर पूरी तरह छूट है और अनलॉक 1
इसका नाम रखा गया है अनलॉक वन, मतलब अब तालाबंदी बेहद सीमित जगहों पर होगी, यानी कि जो कंटेनमेंट जोन है वहां तो पूरी तरीके से चीजें रेस्ट्रिक्टेड होंगी, लेकिन उसके बाद पूरी तरीके से छूट भी मिल जाएगी। स्कूल कॉलेज खोलने पर राज्य फैसला लेंगे, ये एक बड़ा जो ऑर्डर में आया है, मैं कुछ ऑर्डर में बताऊंगी फेज वन फेज टू फेज थ्री के हिसाब से। देखिए अभी भी फॉलोइंग एक्टिविटीज विल बी अलाउड फ्रॉम इफेक्ट ऑफ 8 जून। देखिए 8 जून को मंदिर खुल सकेंगे, जहां पर मंदिर है वो खुल सकेंगे, होटल्स रेस्टोरेंट और दूसरी जो हॉस्पिटैलिटी सर्विस है, इवन शॉपिंग मॉल्स भी। देखिए शायद जो पिछली बार उम्मीद की जा रही थी वो इस बार बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला है। 8 जून यानी अभी भी एक हफ्ते के लगभग का समय है जब आपको घर में रहना है, लेकिन उसके बाद फेज वन जो है ये अलग अलग फेज में खोला जा रहा है। तो पहले फेज में 8 जून को मंदिर खुल जाएंगे, होटल रेस्टोरेंट शॉपिंग मॉल। इसके अलावा फेज टू के अंदर स्कूल कॉलेज एजुकेशनल ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट वो भी खुलेंगे। कंसल्टेशन होगा उसका केंद्र सरकार के साथ राज्यों का, और राज्य अपने डिसीजन लेकर केंद्र सरकार से साझा करेंगे और उसके बाद उसको डिसाइड करेंगे कि क्या कुछ होगा। यानी कि अब स्कूल रीओपनिंग का डिसीजन जो है वो एक मंथ के अंदर यानी कि जुलाई में खुद ही कॉलेज राज्य अपने आप ले सकते। लेकिन ये तो साफ है धार्मिक स्थल खुलेंगे, स्कूल कॉलेजेस खुल जाएंगे, मॉल्स खुलेंगे, लेकिन शर्तें रहेंगी, शर्तें बरकरार होंगी और वो शर्तें माननी होंगी। बिल्कुल, देखिए शर्तें बरकरार होंगी लेकिन वो कंटेनमेंट जोन के लिए है, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर जब स्कूल खुल रहे खुलने की बात पर भी बात आ गई है, यानी कि जुलाई में स्कूल खुल सकेंगे और वो अपने अपने राज्यों को तय करना है। इसके अलावा यहाँ पर मंदिर शॉपिंग मॉल होटल रेस्टोरेंट और मेट्रो रेल, देखिए बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन रीस्टार्टिंग ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल बी डिसाइडेड। तो फेज थ्री आएगा उसमें मेट्रो इंटरनेशनल एयर ट्रेवल पैसेंजर एक्सपेक्ट, यानी कि ये पूरा एक महीने का समय है जिसको अनलॉक वन कहा गया है, उसमें सिनेमा हॉल मेट्रो और इनफैक्ट जो अपन विदेश यात्रा कर सकेंगे वो भी डिसाइड किया जाएगा। सिनेमा हॉल जिमनेजियम स्विमिंग पूल एंटरटेनमेंट पार्क थिएटर्स बार्स ऑडिटोरियम असेंबली हॉल और सोशल पॉलिटिकल स्पोर्ट एंटरटेनमेंट एकेडमी कल्चर तमाम चीजें। देखिए ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की तरफ से वापस से लागू किया है, लेकिन नेशनल डायरेक्टिव है। चलिए ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया अभी, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास फिर भी हम आएंगे आगे, लेकिन इस पर डिटेल्स दर्शकों को देनी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी खबर है, इस पर हर एक अपडेट आप तक पहुंचनी चाहिए। कंटेनमेंट जोन से बाहर पूरी छूट मिलेगी, ये बहुत बड़ी खबर है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू होगा और 8 जून से शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे, शर्तें लागू होंगी। होटल रेस्टोरेंट मॉल भी 8 जून से खुल जाएंगी, लेकिन वहां पर भी शर्तें बरकरार होंगी। स्कूल कॉलेजेस खोलने पर राज्य सरकार को ही फैसला लेना होगा, केंद्र ने ये गेंद डाल दी है राज्य के पाले में और राज्य को ये तय करना होगा वहां की स्थितियों को देखते हुए कि स्कूल कॉलेजेस खोलना कितना सुरक्षित होगा। ये बहुत बड़ी खबर है, अनलॉक 1.0 1 जून से 30 जून तक, और कहां कहां पर रियायत मिलनी है वो आप देखें। कंटेनमेंट जोन को छोड़ के बाकी हर सेक्टर में हर जगह छूट मिलेगी, रियायत मिलेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल याद रखिए, आपको फिर भी रखना होगा।